हे वेलकम टू एफएस एंटरटेनमेंट। हम हैं कुर्ला में गुड्डू भाई के साथ में और फाद भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम फाद भाई, हम कहाँ पे अभी? हम लोग कुर्ला चिंदी मार्केट के थोड़ा सा आगे, इसको कलीना मिलिट्री कैंप रोड बोलते हैं। और जो आपका सेटअप है उसका नाम क्या है? एम्पायर गोडियार्ड। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं आपके इधर, क्या कर रहे हैं? सेल करने के लिए ये देख रहे हैं, अपना खस्सी बकरे देख रहे हैं जी, राइट? तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं ये कौन से खस्सी बकरे, मतलब कौन सी ब्रीड के? ये पंजाबी ब्रीड का ही है और ये सोजर है। ये पंजाबी, पहले ये देख लेते हैं अपन। पंजाबी ब्रीड का वाइट आईज है जी, माशाल्लाह। और कितना इसका वेट होगा? 123। अभी अपन वजन किए वो भी वीडियो इंशाल्लाह अपन डाल देंगे। कितना? 123 केजी का बकरा है। इससे पहले भी माशाल्लाह इनका सेटअप हमने देखे गुड्डू भाई का। गुड्डू भाई, आपके जो सेटअप पिछला था उसके अंदर क्या रिजल्ट आया, मतलब वहाँ पे जो इससे पहले अपने वीडियो बनाया, रिस्पॉन्स क्या आया वहाँ पे? है बकरे अच्छे है उधर? अच्छे। कुछ बिके उसमें से? बिके हैं अभी तक, मतलब ये नहीं हुआ है, मतलब फाइनल नहीं हुआ है। आप थोड़ा जोर से बोलो, क्या आवाज़ बहुत स्लो है। फाइनल नहीं हुआ है लेकिन बिक जाएंगे यार आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा बकरे को छोड़ दो ना सर। भाई ये आप ही संभालते हो फाद भाई जी? तो ये अभी इसको पलाई वगैरह क्या कर रहे हो, खिला क्या रहे हो इनको? माशाल्लाह सबकी पेटी ये बना हुआ है, बगल बने हुए माशाल्लाह पूरे। क्या डाल रहे हो खाने के? भाई भराई पे बकरे दोनों। भराई पे बकरे जी? ओके। और बड़ के पत्ते है, चना है, मक्का है। एक सेकेंड, आपको इधर आना पड़ेगा। क्या बोले? बड़ के पत्ते है और? बड़ के पत्ते है, चना है, मक्का है, गेहूँ है। ओके, सब डालते तो ये दिन में कितने में पड़ते हो आप? एक ही टाइम। एक ही टाइम पे? 24 घंटे में एक ही टाइम। और फिर बाकी पूरा टाइम? और इसको कितना किलो एक दिन में भरना पड़ता है, मतलब अभी हम जैसे कि पंजाबी की बात करें, अगर शॉर्ट फ्रेम के दोनों बकरे हैं उनको 2.5 किलो अनाज लगता है। अच्छा, शॉर्ट फ्रेम में भी माशाल्लाह अच्छी खासी लंबी फ्रेम है इनकी, ये वो भी पंजाबी। लेकिन जो अभी नेक्स्ट आने वाले वो और लंबे बकरे हैं, और लंबी फ्रेम के बकरे, तो उनके सामने ये दो थोड़े शॉर्ट है, थोड़ा शॉर्ट है जी। तो ये इनकी जो लेंथ है, ये लेंथ भी काउंट होती है जी? होती है। क्या अप्रोक्सीमेटली क्या लेंथ के होंगे ये बकरे? लेंथ तो भाई कभी नापे नहीं है, हाइट होगी 41 तो होगा। ठीक है, इसका 41 होगा। और ये कौन सा ब्लड का है? सुजत? ये सुजत है भाई, सुजत लाइन का है जी। और ये अभी भाई ये बकरे का एक बात बताना चाहूंगा, ये बकरा 6 दांत पे, 6 दांत पे। हाँ, ये बकरे ने दांत पूरे नहीं किए, बकरा अभी भी 6 दांत पे। माशाल्लाह, मतलब इसमें बोलना चाहते हैं कि पोटेंशियल और है इसमें। अगले साल ये कितना वेट बोले आपने? ये 123 पे। और ये जो व्हाइट वाला सुजत है 110 पे। माशाल्लाह। और अभी हम लोग अभी टाइम दिखा देंगे, टाइम तो अर्ली मॉर्निंग है, 8:02 हो रहा है। बराई हम लोग यूजुअली शाम में करते हैं 5:30 बजे के आसपास। 5:30 बजे, मतलब तकरीबन कितने किलो आपने बताया भरा भरते? 2.5 किलो अनाज भरते, और पत्ते तो जब तक ये बकरा लेता है तब तक भरते हैं। माशाल्लाह। और क्या इसका आस्किंग प्राइस है? वो तो कॉल पे बताएं। तो कॉल किसको करें? आपको करें या गुड्डू भाई को? गुड्डू भाई को नंबर बता दो आपका। 9790250662। ओके, अभी इस बार एक ही नंबर हम डालते शफीक भाई का नंबर। लास्ट टाइम कंफ्यूजन हो गया, दोनों को कॉल आ रहे थे सेम टाइम पे। अभी इंशाल्लाह गुड्डू भाई, जिसको जिसको चाहिए गुड्डू भाई को कांटेक्ट कीजिए, डील गुड्डू भाई करेंगे इंशाल्लाह। और जो इसकी ये कितना, ये 8 दांत है पूरा? ये 8 दांत, 8 दांत है, 41 की हाइट है और 123 किलो का बकरा है। और ये है 110 किलो का, 6 दांत सोजत। और इसकी हाइट कितनी होगी? ये भी 41 के आसपास की हाइट होंगी। और अगर कोई ये साल इसको रखना चाहता है तो फिर कैसा रखेंगे आप? ये साल मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, ये साल होल्ड कर देंगे अगर वो सोजत बकरा सही पड़ेगा। हाँ, ये इसके लिए अपने को आप रिकमेंडेड ऐसा कर रहे हो कि सोजत ज्यादातर अगले साल के लिए किसी को पलटी कर सकते हैं, आपके पास अगर रखना चाहेगा तो आप रख सकते हो उसको? रखेंगे, लेकिन हम लोग अभी भराई पे नहीं रखेंगे, हम लोग सिर्फ गुड्डू भाई के बकरे भराई पे रखते हैं। अच्छा, सिर्फ गुड्डू भाई के बकरे भराई पे रखते हैं? और इसके भाई और अली असगर भाई का बकरा है। अच्छा, और भी दो ही जन के बकरे रखते हैं। तो अभी फिर कोई रखना चाहेगा अगर इसको लेके तो फिर क्या करे? करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर सेल्फ फीडिंग में लाना पड़ेगा इस वैसे? करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
तो ये जो बकरे अभी थोड़ा थोड़ा चला दो उसको भरने के लिए। कितने लोग हैं अपने पास यहाँ पे अभी देखने के लिए? तीन लोग हैं। तीन लोग हैं जो डेडिकेटली यही काम करते हैं, भरते। इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको अगर इसको भरना रहा तो? सॉरी, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर भरने के लिए? चैलेंजेस, नया अगर बकरा आया है आपके पास, नया बकरा आता है तो उसको थोड़ा सेट करने के लिए टाइम लगता है। हाँ। वो नाल वगैरह पे दाना, मतलब कैसा है, पहले अपने मुंह से खाते हैं फिर हाथ पे सेट करना, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, कोई तो, बकरा कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, किसी को इनडाइजेशन होता है कि कोई गैस बना लेता है, तो मेडिसिन वगैरह वेटनरी, प्रॉपर वेटनरी आता है यहाँ पर, आता है यहाँ पे। जी जी। और इसके अलावा किसी को नॉलेज आपके वर्कर में से? मैं हूँ, मेरे जितने भी लेबर्स है सारे माशाल्लाह ट्रेंड है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मतलब किसी कोई इसकी मतलब ये नहीं, अगर फर्स्ट एड किसको देना रहा, अगर इमरजेंसी कुछ रही तो सबको मतलब काम आ जाता है। हम लोग तो है यहाँ पे, माशाल्लाह सेटअप भी है आपका। उतने बकरे अगर पालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है क्या क्या देना है और क्या नहीं उनको। और इनको रखने के लिए मतलब क्या है, इनका क्लाइमेट वगैरह के सेट करना अलग से रखता है जो मतलब नॉर्मली बेसिकली जो नया बकरा आता है वही नॉर्मल जो सेट करते हैं वो सेट करते हैं, एक महीना डेढ़ महीना। उसके तो नाल लगाने के बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट की वजह से? ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली गर्मी में थोड़ा हमको दाना शफल करना पड़ता है, बस दैट्स इट, बस इतना ही, थोड़ा दाने पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इंशाल्लाह जिस किसी को भी चाहिए तो फिर वो गुड्डू भाई को कॉल कर सकता है या तो व्हाट्सअप कर सकता है, कभी भी अवेलेबल है, एनी टाइम कोई भी मैसेज कर सकता है वो, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात को 12 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक जो सोता है इंसान तो ठीक है। तो और यहाँ पे विजिट भी कर सकता है एम्पायर, आपका जो गॉड यार्ड है वो गूगल पे मैप्ड है? जी, गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। तो ये किस वक्त में आप अवेलेबल रहोगे अगर किसी को आकर देखना रहा तो? कॉल करके आइए, जो भी रहेगा बेस्ट टाइम हम लोग कॉल पे बता दें। ठीक है, चलेगा, जिससे चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए गुड्डू भाई को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।